यार मेरी गेंद की फेंक दी, वो मेरे लिए बहुत कीमती थी, मेरी दीदी ने मुझे गिफ्ट किया था। यार मैं क्या करूँ, मेरे लगी तो मैंने फेंक दिया। नहीं मुझे मेरी गेंद चाहिए, कैसे भी लाके दो। उसे उसकी गेंद दो ना। नहीं यार ये वो भूतिया वेली है, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। इतना ही डरता तो उसकी गेंद क्यों फेंक दी। उसकी गेंद लाके दो। अच्छा ठीक है, तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो मैं जा रहा हूँ लेने। तमाम सबूतों और गवाहों। मलिक। हाँ तो तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि हाँ तो रामलाल इस मुजरिम को बीच चौराहे पर गाड़ दो। मालिक मेरी शादी हो चुकी है और समाज में काफी इज्जत भी है। अरे बेकूफ, मैं उसे चौराहे पर खोद के गाड़ने की बात कर रहा हूँ। माफी मालिक। और पागल हाथियों को इसके ऊपर से निकलवा दो ताकि इसकी मौत हो जाए। यार भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या यार, सरपंच जी को पता कैसे चला कि इन दोनों में किस बात को लेकर झगड़ा है? अरे भाई तुमको नहीं पता है कि सरपंच जी की पगड़ी रहस्यमय है? रहस्यमय? हाँ तो आप लोग चिंता ना करें, हम किसी के साथ सही मतलब गलत नहीं होने देंगे। हाँ भाई, सरपंच जी की पगड़ी जादुई है, इससे जितना चाहो उतना पैसा मांग सकते हो, दूसरे की मन की बात जान सकते हो और इससे बहुत कुछ कर सकते हो। हाँ तो आज की पंचायत यहीं पर समाप्त होती है, आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। हरिया ये मसाल बंद कर देना, मैं सोने जा रहा हूँ।
मेरी पगड़ी चोरी हो गई। मालिक जरूर ये डैनमो का काम होगा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी पगड़ी चाहिए, चाहे जैसे बिला कर दो। जी मालिक। हरिया ढोल पिटवा दो कि सभी पंचायत पर मिले। मालिक आप चिंता ना करें, आपकी पगड़ी मैं लेकर आऊंगा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी पगड़ी चाहिए, तुम लाओ चाहे जो भी ला कर दे, लेकिन सूर्यास्त से पहले मुझे मेरी पगड़ी चाहिए, कैसे भी करके लाओ। मालिक मैं आपकी पगड़ी और आपका इकलौता चोर एक साथ लेकर आया हूँ। कहाँ है वो मालिक? ये कौन है? मालिक यही वो चोर है जिसने आपकी पगड़ी चुराई है। इतना छोटा? जी मालिक, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। मालिक ये वो एडन मो जिसने आपकी पगड़ी चोरी की थी। जाल में फंसने आई है, साथियों से बंदी बना लो, चोर निकल कर भाग न पाए। मनीष क्या हो गया? मनीष तुम ये क्या कर रहे थे? चलो घर चलते हैं। मनीष